राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुख करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीपीनी 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हाथरस जंक्शन पुलिस ने ढाबे पर बिक रही अवैध शराब बरामद कर ढाबा संचालक को किया गिरफ्तार। हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में संचालित ढाबे पर ग्राहकों को अवैध शराब बेचने व पिलाने वाला एक ढाबा संचालक गिरफ्तार। थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र में संचालित ढाबे पर ग्राहकों को शराब बेचने व पिलाने वाले एक ढाबा संचालक को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रवेश सेंगर व पुत्र मुरारीलाल निवासी शंकरपुर थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस, जिसके कब्जे से 26 क्वार्टर देसी शराब, 4 बियर कैन व 2 गत्ता, 8 PM अंग्रेजी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार कर थाना हाथरस जंक्शन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आइए देखें समर्थन अली चौधरी की जनपद हाथरस से खास रिपोर्ट। पी न्यूज़ 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।